जिसने सबके हुनर को है तराशा, जिसने सबके हुनर को है तराशा, आगे बढ़ने की जगाई है एक आशा और दी है एक दिशा। अपने टैलेंट और स्किल को प्रूव करने का प्लेटफॉर्म दिया है अच्छा खासा, उस ग्रुप का नाम है सर्वयशा। थैंक्स टू सर्वयशा, धन्यवाद अर्पित करती हूँ सर्वयशा ग्रुप का, धन श्री फर्नीचर का एवं JS इंडस्ट्रीज़ का, जिनके संयुक्त तत्वाधान में इस रेसिपी कॉन्टेस्ट का आयोजन हो रहा है और इसी के तहत मुझे भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का एक गोल्डन चांस मिला है। थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ सर्वयशा ग्रुप की प्रेसिडेंट डॉक्टर सीमा चंपावत की। आज की जो रेसिपी मैं आप सबके बीच में शेयर करने जा रही हूँ वो है बेहद नॉर्मल रेसिपी है। इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, ज्योति जैन है मेरा नाम। जो रेसिपी मैं आप सबके बीच में शेयर करने जा रही हूँ वो है बेहद आम। आइए रूबरू होते हैं आज की इस रेसिपी से, इसे बनाते हैं बड़े चाव से और इन्जॉय करते हैं बड़े मनोभाव से। रेसिपी आज की इस रेसिपी का नाम है हर्बल पकोड़े, जो मौसम के हिसाब से भी अनुकूल है। और इसमें हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिन चीज़ों से हम पकोड़े बनाने जा रहे हैं, उसमें हम यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले नीम गिलोय, उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं एलोवेरा और अजवाइन लीव्स हैं, इसमें मीठा नीम लीव्स जिनको हम डंठल सहित यूज़ करेंगे, और ब्रायोफिलम जिसे हम पत्थर चट्टा बोलते हैं। जैसा कि इनके हेल्थ बेनिफिट सभी जानते हैं, नीम गिलोय जैसा कि सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और हमारे इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करता है, साथ ही एलोवेरा भी बहुत ही गजब का इसका बेनिफिट है हेल्थ के लिए, और अजवाइन जो कि डाइजेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एडवांटेजियस है हमारी हेल्थ के लिए, मीठा नीम ये भी काफ़ी यूज़फुल है, और ब्रायोफिलम जिसे पत्थर चट्टा बोलते हैं ये सभी घरों में आसानी से उग जाते हैं और ये भी किडनी के लिए काफ़ी यूज़फुल है, स्टोन को रिमूव करता है ये बेसिक लेवल में। तो आइए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे पकौड़ों में हम बेसन के घोल का यूज़ कर रहे हैं, इसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नीम गिलोय लीव्स से। सबसे पहले हम इसको डिप करेंगे। इन पकौड़ों को फ्राई करने के लिए हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करेंगे, मस्टर्ड ऑयल भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हम सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं नीम गिलोय लीव्स, उनको हम बेसन के घोल में डिप करेंगे और जब ऑयल रेडी हो जाएगा तो हम इसमें इसको फ्राई करने के लिए इसको छोड़ देंगे। इसी तरह से और भी ये जो लीव्स हैं, जितनी आप चाहें इसके लीव्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो घरों में आसानी से ये उग जाता है, और ये सारी चीज़ें हमें कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से इनको घर पर हम बना सकते हैं। अजवाइन लीव्स हैं, इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। जितना इसमें स्पेस हो उस हिसाब से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि पकौड़े रेडी हो चुके हैं, उन्हें ट्रे में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल कंटेंट रहता है जिसे एब्जॉर्ब करने के लिए हम टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड राउंड में ले रहे हैं मीठा नीम लीव्स, जो हमें डंठल सहित यूज़ करनी है, नेचुरल हर्ब्स हैं ये सब, तो हम इसको एज इट इज़ इसमें छोड़ देंगे। इस तरह से हम जितनी भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। अब हम एलोवेरा का यूज़ करेंगे, ये थोड़ा सा इसमें काफ़ी स्मूथनेस रहती है, तो थोड़ा सा हमें संभल के इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको हम डिप कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा हमें इसको बनाने के लिए, इसके पकोड़े बनाने के लिए थोड़ा सा हमें सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथनेस लिए होता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स काफ़ी हैं, तो हम जल्दियाँ नहीं। इस तरह से अब हमारे ये पकोड़े
रेडी हैं और हम और भी इनको रेडी कर सकते हैं अपने तैयार है हमारे। तो इस तरह से तैयार है हमारे हर्बल पकोड़े, जिसमें हमने जिन चीज़ों का यूज़ किया है वो सभी आपको बता दी गई हैं। तो इन्हें हम इंजॉय कर सकते हैं। अभी मौसम के हिसाब से भी ये रेसिपी बड़ी अनुकूल है और हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में भी इसका काफ़ी योगदान रहेगा। हम इन पकौड़ों के ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करके और सॉस के साथ और हरी चटनी के साथ हम इनको इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप इसे बनाएं, अपनों के साथ वक्त बिताएं, इसे खाएं, खिलाएं, खिलखिलाएं और मुस्कुराएं, हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।